बेसिक स्पेक्स बता देता हूँ। पोको M2 Pro, Note 9 Pro Max पे सेम प्रोसेसर है 720G, पोको X2 पे 730G है जिसको आप थोड़ा सा इंप्रूव मान सकते हो 720G से। इसके अलावा पोको X2 पे हमें 120Hz रिफ्रेश रेट की स्क्रीन मिलती है, लेकिन इस टेस्ट के लिए मैं 60 पे रखूंगा क्योंकि हमारे गेम में वैसे भी 120Hz यूज नहीं होगा और फिर पोको X2 को फालतू की एक्सक्यूज मिल जाएगी बैटरी ड्रेन होने की। तीनों फोन यहाँ पे 100% चार्ज है, तीनों फोन पे स्क्रीन ब्राइटनेस फुल है, तीनों फोन पे स्पीकर वॉल्यूम में फुल पे रखूंगा। और टेस्ट स्टार्ट करने से पहले टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो नोट 9 प्रो मैक्स है 30 डिग्रीज पे, पोको M2 प्रो भी 30 के जस्ट ऊपर है और पोको X2 भी 30.5 के पास है। तो सबसे पहले तीनों फोन का थोड़ा वार्म करा देते हैं, एंटूटू बेंचमार्क रन करके देखेंगे। एंटूटू के पहले राउंड में पोको M2 Pro ने बाकी दोनों फोन्स को पीछे छोड़ दिया है, पर बहुत ही कम डिफरेंस है ऑब्वियसली। अगर आप अलग अलग स्कोर्स भी देखोगे तो CPU, GPU, मेमोरी परफॉर्मेंस सब चीज काफी सिमिलर सी है। ये इसलिए भी है क्योंकि एंटूटू आपका सिर्फ CPU को टेस्ट नहीं करता है, CPU, GPU, सॉफ्टवेयर, ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन सब चीज टेस्ट करता है। यहाँ पे क्योंकि तीनों ही फोन्स पे MIUI है तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और ऑप्टिमाइजेशन वगैरह जो है सब काफी सिमिलर सी होंगी। और इसी टेस्ट को दो बार और रन करके देखेंगे, देखेंगे कुछ डिफरेंस मिलता है हमें या फिर नहीं। आधा घंटा हुआ है बेंचमार्क रन करते हुए, तीन राउंड हो गए हैं और आप देख रहे हो पोको M2 Pro पीछे चला गया है। पोको में भी थोड़ा सा ड्रॉप आया है, सबसे ज्यादा स्टेबल नोट 9 प्रो मैक्स का स्कोर रहा है अभी तक। बैटरी पर नजर डालें तो पोको M2 Pro, नोट 9 प्रो मैक्स बराबर से चल रहे हैं, पोको X2 थोड़ा सा पीछे हुआ है। वैसे इस वीडियो में FPS टेस्टिंग में 60 FPS पे करना चाहता था, बट पता नहीं यार GFX टूल चला के मेरा गेम बेंच FPS रिकॉर्ड करना बंद कर देता है। पिछले हफ्ते ही मैंने मोटो वन फ्यूजन, रियलमी 6 प्रो, नोट 9 प्रो मैक्स इन सबका गेमिंग टेस्ट किया था, तो वहां पे हमने देखा था 40 FPS गेम प्ले, तो Snapdragon 720G, 730G आराम से हैंडल कर ही लेते हैं। तो इस टेस्ट में थोड़ा और स्ट्रेस डालने के लिए पहले हम थोड़ी सी 60 FPS गेमिंग करेंगे और उसके बाद जब सारे फोन अच्छे खासे स्ट्रेस्ड होंगे उसके बाद FPS टेस्टिंग पे आएंगे। तो सारे फोन पे यहाँ पे मैंने स्मूथ एक्सट्रीम सेट कर दिया है, ग्राफिक्स मतलब लोएस्ट है बट पूरे 60 FPS पे खेलेंगे। बट लोडिंग टाइम भी चेक कर लेते हैं। अरे यार यहाँ अपडेट आ गया, तो अब देख सकते हो तीनों फोन्स पे स्मूथ एक्सट्रीम का ऑप्शन आ गया है। अब गेम स्टार्ट कर देते हैं। दो घंटे जस्ट पूरे होने वाले हैं पोको X2 पे, अभी अभी एक ओवरहीटिंग की वार्निंग आ गई है। बैटरी परसेंटेजेस चेक करें तो नोट 9 प्रो मैक्स सबसे आगे चला गया है, पोको काफी पीछे हो गया है बाकी दोनों फोन से। पर अब दो घंटे से लगातार हम गेमिंग कर रहे थे, सारे फोन्स अच्छे खासे स्ट्रेस हुए हुए हैं। जल्दी से थोड़ा सा FPS टेस्टिंग यहाँ पे करके देख लेते हैं गेम बेंच यूज करके। तो काफी मेहनत के बाद किसी तरह तीनों फोन पे गेम बेंच चल गया है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके साथ मैं GFX टूल नहीं यूज कर सकता हूँ, तो अभी मैंने ग्राफिक्स चिप पे बैलेंस और अल्ट्रा कर दिए हैं। ढाई घंटा पूरा हो गया गेमिंग का, जल्दी से पहले टेम्परेचर्स ले लेते हैं। तो नोट 9 प्रो मैक्स 43.5 के अराउंड है, पोको M2 प्रो 44 क्रॉस कर चुका है और पोको X2 42.8 43 तक पहुंच रहा है। हाथ में पकड़ के वैसे उतने ज्यादा गर्म नहीं लग रहे हैं दोनों ही फोन, कैमरा के पास से थोड़े गर्म है बट बैक उतनी ज्यादा कुछ गर्म फील नहीं हो रही है। पोको X2 में जबकि टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं आया बट थोड़ा ज्यादा गर्म फील हो रहा है कैमरा के पास से। बैक का भी टेम्परेचर ले लेते हैं, यहाँ भी ऐसा ज्यादा कुछ तो नहीं है, 41.5 के अराउंड दिखा रहा है। M2 Pro भाई को देख लेते हैं, इसमें 42.5 है और Note 9 Pro Max हमारा ये 42 के जस्ट नीचे है। मतलब हीट मैनेजमेंट में ऐसे कुछ ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं मिला। बैटरी पे आ जाते हैं तो Poco X2 सबसे पीछे रह गया है, 30s में आ गया है ऑलरेडी। बाकी दोनों फोन ही ऑलमोस्ट सेम से हैं, दोनों 50 के ऊपर है अभी। और फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ 60Hz पे कर रहे थे हम ये टेस्ट, 120 पे नहीं थी स्क्रीन। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता था, जनरली जब Poco में ज्यादा बैटरी ड्रेन होती है तो फिर हम सोचते हैं
की हाई रिफ्रेश रेट की वजह से होगी, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली भी यहाँ पे बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन होती है। और एक चीज और, पोको M2 Pro में ऑफिशियली बोला गया था कि 5000 mAh की बैटरी है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी डिवाइस इन्फो वाली ऐप खोल के देखोगे तो 5020 mAh ही है इसकी कैपेसिटी। ये बस आई थिंक पोको ने थोड़ी इज्जत बचाने के लिए 5000 बोल दिया, जिससे ऐसा ना लगे कि सेम कॉपी किया है सब कुछ। तो गेम में डेटा फाइनली लोड हो गया है। सारे फोन्स पे हमने अराउंड 25-30 मिनट का गेम प्ले रिकॉर्ड किया है। पोको M2 Pro पे बीच में रुक गया था सेशन, पता नहीं, तो दो अलग अलग सेशन में यहाँ पे आया है। सबसे पहले पोको X2 से स्टार्ट करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे मीडियन FPS 40 ही है, पर जो कंसिस्टेंसी है वो 86% है, और जनरली जितना ही 100 के पास होती है मतलब उतना अच्छा परफॉर्मेंस है। और उसके अलावा अगर हम फ्रेम रेट परफॉर्मेंस देखें तो आप देखोगे मोस्टली 39-40 के बीच में ही घूम रहा था। कई मौके ऐसे आए हैं जिसमें 38-37 तक गया है, और बहुत ही रेयरली ऐसा हुआ है कि 35 टच हुआ हो। ये जो बड़े ड्रॉप्स हैं एकदम जीरो तक, वो बेसिकली आपकी जो लोडिंग स्क्रीन वगैरह होती है उनके लिए होते हैं। और उसके अलावा मैं कहूंगा काफी स्टेबल सी परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे मिल रही है। नोट 9 प्रो मैक्स पे आ जाते हैं तो यहाँ पे भी 40 FPS मीडियम था, यहाँ पे कंसिस्टेंसी 93% की है, और यहाँ पे भी काफी सिमिलर सा रिजल्ट है। मोस्टली 39-41 के बीच में FPS चल रहे थे, हालांकि यहाँ पे कुछ मोमेंट ऐसे आए थे जिसमें 30 या फिर 27-28 तक भी FPS ड्रॉप हुआ है। और मतलब 20 मिनट में कहूंगा एक दो मोमेंट्स ऐसे थे जब मुझे एक स्टटर यहाँ पे फील हुआ है। फाइनली आ जाते हैं आज के नए एंट्रेंट पे, पोको M2 Pro। तो यहाँ पे दो सेशन अलग अलग रिकॉर्ड हुए हैं 15-15 मिनट के। तो पहले 15 मिनट में 40 FPS मीडियम था और कंसिस्टेंसी 90% की थी। यहाँ पे आप देखोगे ऐसे कोई बड़े ड्रॉप्स आपको नहीं दिखेंगे, तो बस एक मोमेंट मुझे दिख रहा है जिसमें 33 टच हुआ है। उसके अलावा कंसिस्टेंटली 37-38-40 इसके बीच में मेंटेन था। दूसरे वाले टेस्ट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे भी मीडियन FPS 40 है, कंसिस्टेंसी 98 दिखा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगेन आप देखोगे मोस्टली 38 के ऊपर था मामला, बट बीच में काफी पॉइंट्स ऐसे थे जिसमें 36-34 टच हुई है चीजें। और इनफैक्ट एटलीस्ट 4-5 मोमेंट मैंने नोटिस किए थे जहाँ पे 30 भी टच हुआ था फ्रेम रेट। अभी आपने देख ही लिया होगा कि तीनों फोन्स पे बहुत ही लो लेवल लॉबीज चल रही थी यहाँ पे। इतने सारे फोन में एक साथ टेस्ट करता हूँ तो भाई अलग अलग अकाउंट पे सब पे हाई लेवल मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। बट इसीलिए यहाँ पे FPS टेस्ट करने से पहले एक्सट्रीम टेस्टिंग हमने इनकी कर रखी थी, तो अच्छा खासे प्रेशर में थे ये फोन्स, तब भी इन्होंने काफी कंसिस्टेंट काफी रिलायबल परफॉर्मेंस यहाँ पे दे दी है। मतलब आप मान सकते हो कि अगर आप 40 FPS गेम प्ले कर रहे हो तो तीनों ही फोन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपस में कंपेयर करके ऐसा कोई क्लियर विनर तो मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता, बट ये चीज मैंने जरूर नोटिस करी कि 40 से जो 30-32 FPS वाले ड्रॉप्स हैं पोको पे वो सबसे कम हुए थे, इन दोनों फोन्स पे थोड़े ज्यादा हुए थे। पर वही बात है, पोको एकदम पीछे रह जाता है बैटरी के मामले में। बैटरी के मामले में ये दोनों फोन बहुत बेटर करते हैं, और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि अगर आप गेमिंग करने के लिए इन तीनों में से कोई भी खरीदना चाहते हो तो आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। अब एक चीज यहाँ पे साफ हो गई है, पोको M2 Pro में बैटरी परफॉर्मेंस काफी सिमिलर मिल रहा है नोट 10 प्रो मैक्स जैसा। तो अगर आप इसका पूरा बैटरी परफॉर्मेंस देखना चाहते हो, बैटरी ड्रेन, बैटरी चार्जिंग में कितना टाइम लगता है, वो वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पर अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी के लिए तो मैं खुश हूँ पोको M2 Pro की परफॉर्मेंस से। बस मैं एक चीज देखना चाहता हूँ कि ये Realme 6 से कैसे कंपेयर करेगा जो एग्जैक्ट इसी के प्राइस में हमें मिलता है। वो फोन मेरे पास अभी है नहीं तो मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाया, और उस फोन के साथ एक पूरा प्रॉपर कंपैरिजन मैं इसका लेके आने वाला हूँ। सिर्फ गेमिंग और बैटरी नहीं, कैमरा, परफॉर्मेंस, सब